है गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वाली वीडियो में हम करने वाले हैं लाइटरूम में फोटो एडिट। तो अभी ना मैं रिसेंटली मैं एक फोटोशूट पर गया था। मतलब क्या होता है ना, हर बार मैं ऐसी जगह पर फोटोशूट कर रहा था जिसके बैकग्राउंड में नेचर हो, तो उस फोटो को मैं बाद में ग्रीन टोन में, येलो टोन में या फिर कोई और टोन में एडिट कर सकता हूँ। पर इस फोटो के बैकग्राउंड में आप देख रहे हो कोई भी कलर नहीं है, बिल्कुल एक सटल सा बैकग्राउंड है। तो उसी से मुझे आइडिया है कि क्यों ना इस फोटो को कुछ अलग टाइप से एडिट किया जाए। सो आज की इस वाली वीडियो में बताऊंगा कैसे आप अपनी फोटो को सिनेमेटिक टोन दे सकते हो, एक मूडी फील अपनी फोटो में ला सकते हो। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस टोन में एडिट करने के लिए बेसिकली आपको एक अपनी ऐसी फोटो उठाना जिसके बैकग्राउंड में कोई भी कलर ना हो, बैकग्राउंड बिल्कुल सटल होना चाहिए, तो ये टोन वहाँ पर ज़्यादा अच्छे काम करेगी। तो चलो मैं अपनी ये वाली फोटो को एडिट करके बताता हूँ लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन में। सो हे गाइस, हियर वी आर इन द लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन। सबसे पहले हमको जाना है यहाँ से लाइट्स में और हम इसका पहले एक्सपोजर बढ़ा देते हैं, ठीक है इतना। फिर इसके हाइलाइट्स को हम कर देंगे यहाँ से कम, और फिर जाएंगे शेडोज़ पर, शेडोज़ को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, थोड़ा मतलब कुछ ज़्यादा ही। जैसे आप देख सकते हैं टी शर्ट का कलर बहुत ज़्यादा ही ब्लैक लग रहा है, और यहाँ से भी ये जो ब्लैक वाला पार्ट है तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और इसके ब्लैक्स को हम कर देंगे कम। हम इसको ले जाते हैं -20 तक, तो ठीक है इतना। इसके बाद जो कर्व्स वाला मेन पार्ट है वो आपको बताता हूँ मैं। आपको प्रीसेट में जाना है और ये थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप कॉपी सेटिंग्स में क्लिक करोगे तो आपको सबको अनटिक कर देना है, और सिर्फ एक ये लाइट में जाना है और टोन कर्व को टिक कर देना है। फिर यहाँ से हम बैक जाएंगे और राइट क्लिक कर देंगे। फिर हमको हमारी वापस से फ़ोटो पे आना है और यहाँ से हम पे सेटिंग कर देंगे। तो देख रहे हो ये जो कर्व है ये अपने आप सेट हो चुके हैं। ये यहाँ पर दिखाना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए मैंने आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके बता दिया है। आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ से। तो फिर इसको यहाँ से डन करते हैं। इसके बाद हमको जाना है ये टेम्परेचर वाले ऑप्शन में, और इसको हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे थोड़ा सा, ठीक है इतना। और फिर इसका वाइब्रेंस भी हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। वाइब्रेंस कहाँ तक ठीक लग रहा है आपके हिसाब से आप देख सकते हो। फिर इसका सेचुरेशन माइनस करते हैं, ठीक है इतना। फिर कलर मिक्स वाले ऑप्शन पर जाना है, और यहाँ पर कोई भी कलर को नहीं छेड़ना, सिंपल आपको एक ऑरेंज कलर पर जाना है और इसके ल्यूमिनेंस को बढ़ा देंगे क्योंकि जो स्किन का कलर है ये तो इतना मुझे ठीक लग रहा है। फिर आपको जाना है ये पर्पल और वॉयलेट कलर पे, पर्पल कलर का वॉयलेट कलर का दोनों का सेचुरेशन बढ़ा देना है अगर आपको लगे तो, क्योंकि आप देख रहे हो जैसे मेरे लिप्स है उसका कलर यहाँ पर मैच कर रहा है, तो इसका कलर या फिर सेचुरेशन हम दोनों बढ़ा देते हैं, तो इतना ये ठीक है। फिर यहाँ से इसको डन करते हैं। इसके बाद जो मेन पार्ट है वो है यहाँ से कलर ग्रेडिंग, इस पर जाना है हमको, और ये थर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है हाईलाइट्स वाला, तो इस पर क्लिक करेंगे, और ये जो स्लाइडर है इसको हम घुमा के देखेंगे कहाँ पर ये एग्जैक्ट परफेक्ट बैठ रहा है। तो पहले इसका हम सेचुरेशन बढ़ा लेते हैं, और यू पे जाएंगे और यू हम आप देखते हैं कहाँ पर परफेक्ट सेट हो रहा है ये। तो ये वाला कलर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब हमको अब अपनी फ़ोटो में जो टोन डालनी है वो यही लग रही है। तो उसका सेचुरेशन हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, सेचुरेशन हम रखेंगे अराउंड 75 के आसपास, तो ठीक है इतना। फिर हम जाएंगे ग्लोबल वाले ऑप्शन में, और इसका भी हम यू बढ़ा देंगे पहले, तो पहले सेचुरेशन बढ़ाएंगे और बहुत ही कम रखना है इसका सेचुरेशन, और अब देखते हैं यू कहाँ पर रखना चाहिए हमें। तो इसका यू हम रखते हैं 100 के आसपास कई जगह, तो ठीक है इतना, ये 84 तक हमें ठीक लग रहा है, और यहाँ से डन करते हैं। इसके बाद हम जाएंगे ये इफ़ेक्ट्स वाले ऑप्शन में, यहाँ पर सिंपली अपने टेक्सचर को बढ़ा देना है जहाँ तक आपको ठीक लगे, और थोड़ा विंगेट कम कर देना है, और यहाँ से हम बढ़ा देंगे इसकी शार्पनेस, तो शार्पनिंग को बढ़ा दिया। तो आप देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा सही ये फ़ोटो एडिट हो चुकी है, मुझे तो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में बता सकते हो। सो गाइस, हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिट हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो और फोटो दोनों काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो अगर आप भी अपनी इस फोटो को इस टाइप से एडिट करना चाहते हो तो प्रीसेट लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और एक क्लिक पे अपनी फोटो को एडिट कर सकते हो। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और किसी डेडिकेटेड टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर से कर देना। और हाँ, ये सारी फोटोज़ मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता हूँ, तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर से कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो मिलते हैं ऐसी किसी कमाल की वीडियो में, टिल देन गुड बाय।